महाराष्ट्र में एनसीपी की फूट के बाद अजीत पवार ने पहली बार अपने चाचा शरद पवार से मुलाकात की। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार शुक्रवार रात एनसीपी प्रमुख शरद पवार से उनके आवास सिल्वर ओक पर मुलाकात करने पहुंचे। शरद पवार और अजीत पवार की मुलाकात मंत्रिमंडल का विस्तार करने के कुछ ही घंटों बाद हुई थी। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सभा को संबोधित करने के दौरान शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की आलोचना की। उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ने और चुनाव जीतने के लिए बाला साहब ठाकरे और पीएम मोदी के नाम का इस्तेमाल करने के लिए उनकी आलोचना की। साथ ही ये भी बताया कि महाराष्ट्र में विकास कैसे होगा। महाराष्ट्र मध्ये आपल्या युती सरकार ने केलेलं काम, केलेला विकास, पुढे नेलेले प्रकल्प या विकासाला साथ दिली आणि आमच्या सोबत आले, त्यामुळे सरकार आणखी मजबूत झालं आहे। 200 जास्तीचं आमदारांचं संख्याबळ आज सरकारच्या पाठीशी आहे, त्यामुळे आणखी जोरामध्ये आणखी वेगामध्ये या राज्याचा विकास आम्ही करणार। या राज्याचा सर्वांगीण विकास जे प्रकल्प जे आहेत अतिशय वेगाने पुढे नेऊ, त्याचा या महाराष्ट्रातल्या जनतेलाच फायदा होईल। तो दूसरी ओर उद्धव गुट की शिवसेना ने एकनाथ शिंदे पर संगीन आरोप लगाया और कहा कि उनका मकसद केवल शिवसेना को तोड़ना था। थोड़ा काल विधान परिषदेवरती शिवसेनेच्या माध्यमातून आहे, त्याच्या आधी त्यांना महिला आर्थिक विकास महामंडळासारखं पद दिलेलं आहे, उपसभापती त्यांना केलं, यापेक्षा एखादा पक्ष अजून काय देऊ शकतो? ज्या ज्या गोष्टीत देणं शक्य होतं पक्षाला किंवा उद्धव ठाकरे त्या त्यांनी निलंबताईना दिलेले आहेत। खरं म्हणजे संकटाच्या काळात त्यांनी थांबायला पाहिजे होतं। पक्षावर संकट असताना सामान्य शिवसैनिक संघर्ष करतो आहे, अशा वेळेला ज्यांना भरपूर काही मिळालंय निदान त्यांनी तरी त्याचं ऋण मान्य करून थांबायचं असतं। बता दें 14 जुलाई को एनसीपी के 9 मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। इस मंत्रिमंडल विस्तार में एनसीपी की झोली में कुल 7 मंत्रालय आए हैं। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने खुद के लिए वित्त और योजना विभाग रखा है।